न सूर्य कुमार यादव खुश, न ईशान किशन खुश, न जसप्रीत बुमराह खुश और न ही मुंबई इंडियंस के फैंस खुश। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, हार्दिक पांड्या। दरअसल ट्रेडिंग विंडो में पूरे क्रिकेट जगत को चौंकाते हिलाते और सनसनी मचाते हुए हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया। बस इसी के बाद शुरू हुई मुंबई इंडियंस में बगावत। सबसे पहले बुमराह ने एक ऐसी स्टोरी लगाई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद स्काई ने टूटा हुआ दिल अपनी स्टोरी में लगा दिया, जिससे ये लगभग लगभग कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या के वेलकम पोस्ट पर तो मुंबई इंडियंस के एक भी खिलाड़ी का कमेंट नहीं आया। भारत तो दूर, किसी विदेशी खिलाड़ी तक ने उनका स्वागत नहीं किया। यार, अब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच आईपीएल ट्रॉफी जिताई हैं। देखा जाए तो आईपीएल में बतौर कप्तान रोहित शर्मा और द ग्रेट द गोट महेंद्र सिंह धोनी एक ही लेवल पर हैं, यानी बराबर पर हैं। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के थला महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार आईपीएल विजेता बनाया है। अब आप खुद सोचिए कि मुंबई इंडियंस की टीम और फैंस अचानक हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से नाराज क्यों ना हो। अब हिटमैन का पद और कद इतना बड़ा है ही। कद, जी हाँ कद। वैसे रोहित शर्मा के कद पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद वो बायस लगे, पक्षपात लगे या थोड़ा सा ओवर लगे। लेकिन जब इरफान पठान जैसे दिग्गज इस मामले पर बात करते हैं तो कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। जी हाँ, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का कद क्या है, इस पर इरफान पठान ने बयान दिया है। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं कि इरफान पठान के हिसाब से मुंबई इंडियंस में क्या है रोहित शर्मा का कद। इरफान पठान ने कहा, रोहित शर्मा का टीम में बड़ा कद है। मेरे लिए मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का वही कद है जो एमएस धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स में है। रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में खून पसीने से टीम को बनाया है। रोहित शर्मा ने टीम के लिए बहुत योगदान दिए हैं। वो हमेशा टीम मीटिंग में रहते थे। वो शानदार कप्तान है, वो गेंदबाजों के कप्तान है। पिछले साल जोफ्रा आर्चर की खराब परफॉर्मेंस और बुमराह की गैर मौजूदगी में भी रोहित शर्मा के लिए कप्तान के रूप में अच्छा आईपीएल सीजन रहा था। यहाँ इरफान पठान की बात को अगर आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी को समझ सकता है, जैसे कि यहाँ पर इरफान पठान ने किया। इरफान पठान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम में खेल चुके हैं, आईपीएल में उनके विपक्ष खेल चुके हैं, तो वो जानते हैं और समझते हैं कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए क्या कुछ किया है। इरफान ने अपने बयान में एक शब्द का भी इस्तेमाल किया, खून पसीना। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर जैसे महान दिग्गज भी जो नहीं कर पाए वो रोहित शर्मा ने कर दिखाया, और वो भी 5 बार। अब आपको क्या लगता है, क्या कद है रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस में? क्या आपके हिसाब से भी हिटमैन मुंबई इंडियंस के थला है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या कद है रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस में? क्या आपके हिसाब से भी हिटमैन मुंबई इंडियंस के थला है? और क्या मुंबई इंडियंस ने उनके साथ सही किया? मतलब इतने बड़े कप्तान को एक और सीजन कप्तानी करने तो देना ही चाहिए था। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।